1500-1800 गमले होंगे, तो 1800 गमलों को छांटना, फिर उसे टेम्पो पे लोड कराना, फिर संबंधित आदमी के घर पे पहुंचाना, बहुत छोटा काम नहीं है। इसके लिए हमने बड़ी रूपरेखा बनाई है। ये कहना है आप लोगों से कि फ्लोवर शो इतना बड़ा आयोजन है कि हम उसको बहुत छोटे रूप में और बहुत बड़े रूप में भी कर सकते हैं। आ जाओ भाई, तो हम उसको इतने बड़े भव्य रूप में करें कि हमारी सोसाइटी का नाम पूरे शहर में हो, लोगों का पेड़ पौधों के प्रति झुकाव हो, और कहीं ये पहचान हो जाए कि भरतपुर में इस तरह की कोई सोसाइटी है जो इतने बड़े लेवल पर काम करती है, और उसी से हम लोग अपने संस्था को, अपने आप को भरतपुर के लोगों के साथ जोड़ के आगे ले जा सकते हैं। ये मेरा सोच है। उसके लिए हम लोगों ने ये सोचा था कि इतने बड़े पैमाने में काम करने की, यादव साहब ने बताया कोऑर्डिनेटर की इन्होंने जिम्मेवारियाँ बताई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। कोऑर्डिनेटर एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस फ्लावर शो का। कोऑर्डिनेटर का काम सिर्फ यही नहीं है कि वो जाके कुछ लोगों से मिल ले, वो एक एक चीज़ का ध्यान रखेगा कि आपने कहा कि मेरे को फ्लावर शो में ये चार तरह के प्लांट और रखने फ्लावर के अलावा, तो वो उसका डिसीजन होगा कि वो प्लांट वहाँ रखने लायक हैं या नहीं है। वो आपके फ्लावर का जो गमला है, पॉट है, वो उस लायक है कि नहीं है, कहीं उस पर पेंट की आवश्यकता है या वो टूटा है तो उसको बदलने की आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पुराने प्लांट को रिप्लेस नहीं करना चाहेंगे अपने नए गमले से, तो फिर हम उसको मना कर देंगे कि हम नहीं इसमें शामिल कर सकते। ये सब काम कोऑर्डिनेटर का होगा। कोऑर्डिनेटर एक इतना बड़ा रोल अदा करेगा उसमें कि आपको कुछ भी काम होगा तो वो सारे सोसाइटी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने का काम कोऑर्डिनेटर का रहेगा। आपको कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह की तकलीफ है, कोई भी चीज़ की समस्या आ रही है, हमने यहाँ तक सोचा है आप लोगों के लिए, जिस दिन, क्योंकि फ्लावर शो 10 और 11 को है, तो हमने ये सोचा है सब लोगों ने कि 9 तारीख को 12 बजे तक सारे लोगों के, सब लोगों के प्लांट हमारे पास निर्धारित स्थान पर आ जाना चाहिए, क्योंकि सुबह 12 बजे से शाम को 6 बजे तक उन प्लांटों को सबको सेटल करके, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके, अगले दिन सुबह सुबह तो 9 बजे तो इनॉग्रेशन करना पड़ेगा अपने, क्योंकि सर्दी का टाइम होगा और फ्लावर शो का टाइम 10 से 4 है। तो पहले दिन हम लोगों ने ये भी सोचा है कि 10 से 4 की जगह 10 से 5 भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली रूप से 10 से 4 रहेगा वो। अगले दिन उसको समेट के आप लोगों के घर तक सामान पहुँचाना है, इसलिए वो स्ट्रिक्टली 10 से 4 ही रहेगा। तो उसमें कोऑर्डिनेटर का काम ये रहेगा कि आपके घर से जो जो गमले सेलेक्ट होंगे, जिस भी वैरायटी के होंगे, उनको वहाँ से कलेक्ट करेंगे, टेम्पो हम देंगे आपको, लेबर हम देंगे, उस पर टैगिंग करना, हर प्लांट पे मार्किंग करना, ये सब काम कोऑर्डिनेटर का होगा। आपके साथ सामने मार्किंग होगी, आपको नंबर दिया जाएगा कि 1 से 10 नंबर तक मैडम आपका है, 20 से 25 नंबर तक आपका है, और उसके बाद उसका रजिस्टर बनेगा, उसके बाद वो टेम्पो में लोड कराने के लिए लेबर लेके आएंगे आपको, तो बस आपका थोड़ा सा वहाँ पे सपोर्ट करना है। उसके बाद वहाँ से माल उतरेगा, यहाँ से अनलोड होगा, व्यवस्थित जगह पर लगेगा जहाँ जहाँ उसको लगना है। उसके बाद में उसको दोबारा छांटना पड़ेगा, क्योंकि 5 पिटूनिया आपके यहाँ से आए, 2 पिटूनिया वहाँ से आए, 10 पिटूनिया वहाँ आए, वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए, तो फिर उनको उसी टैग नंबर से, हमने टैग नंबर भी इस तरह से सोचा है, मैं इसलिए खुल के डिटेल बता रहा हूँ आप लोगों के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। कोऑर्डिनेटर एक नंबर के पास ए मार्क होगा, 2 बी पे बी होगा, उसके पास सीरियल नंबर 1 से सिस्टम चालू हो जाएगा। कलर भी अगर हम टैग का अलग कर दें तो वो और इजी हो जाएगा पहचानने, जैसे वो देखें कि रेड कलर के पेपर वाले टैग जो हैं आप, तो नहीं आप मेरी निवेदन सुने, हमने ये सारी चीज़ों पर चर्चा करी, टैग हम लगा ही नहीं सकते उस पर, टैग लगाएंगे ट्रांसपोर्टेशन में, पानी देने में, 3 दिन में वो अलग हो जाएगा, फिर आप युवकों के मेरा गमले का मामला ही गड़बड़ हो गया, मेरा गमला ही चेंज हो गया, फिर उसका एक नया सिस्टम चालू हो जाएगा। तो हम उस पर मार करेंगे, ब्लैक कलर का गमला होगा, व्हाइट मार्कर से, हार्ड मार्कर से लिखेंगे नीचे की तरफ, जहाँ से दिखेगा नहीं आपका गमला लिखा हुआ, तो वो चेंज नहीं हो सकता, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। नहीं, वो तो फिर हमारी टीम छाटेगी। ये कह रहा हूँ मैं, आप बहुत बड़ा काम है कोऑर्डिनेटर का, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर 1500-1500-1800 गमले होंगे तो 1800 गमलों को छाटना, फिर उसे टेम्पो पे लोड कराना, फिर संबंधित आदमी के घर पे पहुंचाना, बहुत छोटा काम नहीं है। इसके लिए हमने बड़ी रूपरेखा बनाई है, फिर उस पर टैग लगा के आपको नंबर इशू कर देंगे, उसके बाद लोड होके यहाँ आ गया, यहाँ से छाटने के बाद आप लोगों को थोड़ी हेल्प करानी पड़ेगी, जिस दिन लास्ट डे होगा उस दिन सारे लोग यहीं रहेंगे, वो थोड़ा कोऑर्डिनेटर को हेल्प करेंगे पिटूनिया या हर प्लांट को अलग अलग छटवाने के लिए। उसके बाद उनको लोड कराना हमारी जिम्मेवारी है, घर तक पहुँचवाना हमारी जिम्मेवारी है,
घर पे आपको अपने कहाँ रखवाना वो भी आप अपने हिसाब से देख के हम वहाँ फ्री हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने इसमें कई सारी कैटेगरी भी बनाई है। हमने कैक्टस और सेकुलेंट रखा है, इसकी एक कैटेगरी बन जाएगी। इसके लिए हम टेबल लाएंगे, टेबल पर कैक्टस और सेकुलेंट लगाएंगे, धरती पर हम नहीं रख सकते, ये हमने विचार कर लिया है। उसके बाद बॉन्साई और बगनवेलिया वगैरह किसी तरह की इसमें एक कैटेगरी अपन देख लेंगे, वो हो जाएगी। तीसरी कैटेगरी है एडिनियम की, चौथी कैटेगरी है मेडिसिन प्लांट की, पांचवी है फल सब्जियों के पौधे, और छठी है सृजनात्मक जिसमें आप टपोरी वगैरह, फिर वेस्ट से वेस्ट जो अपन बोतल में कारीगरी करके बनाते हैं एक वो कैटेगरी है। उसके अलावा और तो यही सारी कैटेगरी है। हाँ, अडेनियम हो गया। इसके अलावा हम पॉलिस लिखा नहीं है इसमें, मेडिसिनल बोल दिया मैंने, सीजनेबल वो फल सब्जी के आ गए ना सारे, पॉलिस नहीं रह गया। चर्चा हुई बाद में जोड़ के मैसेज दिया, पॉलिस का हमने कागज पे लिखा हुआ है, पॉलिस का नहीं बल्कि पॉलिस का भी है। जवाब दूंगा, हमने इतनी सारी मीटिंग करी, हमारे पास हर चीज का जवाब है। हम जो भी सीजनेबल प्लांट के अलावा आपका कोई भी प्लांट किसी भी गमले में लग रहा है, अगर वो वहाँ पर लगाने लायक है, टूटा फूटा नहीं है, पेंट नहीं हो रहा, वो आपको पेंट करना पड़ेगा, उसके अलावा वो अलाउड। हाँ, उसमें भी हमने एक कैटेगरी बनाई है, अगर किसी अपेक्स रेड का एक कलर अपन सब लोगों को डिसाइड कर देंगे, वो अपन लोगों को करना है। उसके अलावा हम उसी कैटेगरी को अलाउ करेंगे जिसकी मैडम आप सुन लीजिए, फिर आप रह जाएंगे कुछ चीज़ें, उसी कैटेगरी को अलाउ करेंगे जिसके मिनिमम 25 प्लांट हो जाएंगे। अगर किसी कैटेगरी में मान लो 15 प्लांट ही हुए तो वो कैटेगरी हटा देंगे फिर वहाँ, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का प्लांट। ये संख्या हमको कोऑर्डिनेटर लाके दे देंगे, और ये कोऑर्डिनेटर हमको लाके देगा ये सारी संख्या। बंशिका वाले को जैसे साहब ने बताया था, उन्हें वहाँ पे हमने उनको बोल दिया है कि वो आपके गमले आपके प्लांट, वो पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग लेके आएंगे, लेकिन फिर हमने वो देख लिया वो पॉसिबल नहीं है, हम मैडम के घर पे उतार दें, कोई मेरे घर पे उतार दें, तो सारे गमले लाना, एक एक को देना, टूटे फूटों को देखना, प्लांट खराब होना, ये सब चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते थे। तो बंशिका वालों को हमने बोल दिया है, वहाँ पे हम जो भी सदस्य से जितने भी प्लांटों की बात हुई है उससे एक निर्धारित शुल्क हमने तय किया है 50 रुपये। अब 50 रुपये कैसे तय किया वो भी एक बार सब लोग सुन लें। उसमें हम आपको एक प्लांट देंगे, उसका गमला देंगे, और ट्रांसपोर्टेशन जो आपके घर से उठ के यहाँ तक आएगा वापस लोड होके जाएगा, ये हमने पर गमला एक शुल्क डिसाइड किया 50 रुपये। जो है हाँ अभी वही बता रहा हूँ, उसमें आपको ये लेबर मिल गया, टेम्पू मिल गया, प्लांट मिल गया, सारी चीज गमला मिल गया। इसके अलावा यहाँ पर रात में चौकीदार मिलेगा आपको, पानी देने के लिए माली मिलेगा आपको, ये सारी फैसिलिटी हम आपको 50 रुपये पर गमले में करेंगे। इससे सस्ता हमारे पास कोई जुगाड़ बैठ नहीं रहा है, है ना। उसमें आप लोगों को अब हम लोग पैसा कोऑर्डिनेटर या यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा, हमको आपको 10 रुपये की पर्ची इशू कर देंगे, वो पर्ची आप वहाँ पे पंचिका वाले को देंगे, उतने गमले और उतने प्लांट आपको वहाँ से मिल जाएंगे। गमले अपनी पसंद का ले लें, छांट के ले लें, टूटा फूटा आपकी जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मेदारी। साइज तो कोई मिलेगा 8 इंची, साइज एक मिलेगा। प्लांट के लिए हम आपको किसी को भी ऐसे अलाउ नहीं करेंगे कि आपके मन में आ गया मीटिंग करनी पड़ेगी आपको, और हम कोऑर्डिनेटर को हम बताएंगे कि भाई हमको 100 एडिनियम चाहिए या 100 पिटूनिया चाहिए, तो 20 इस ग्रुप से, 20 उस ग्रुप से, 20 उस ग्रुप से वो ला के देगा, और फिर उन लोगों से कोऑर्डिनेट करके वो ऐसे कर देगा कि मैडम आपके 25 गमले तो आप 5 कम से कम टुकड़े हो जाएंगे। कुछ भी नहीं हो सकता था, हम सारे काम कर चुके हैं। बहुत लंबी लंबी मीटिंग होगी मैडम, वो ये बैठक हो चुकी है। तो मैं इसलिए इतनी सारी चीज आपको इतनी डिटेल से बता रहा हूँ, सारी चीज़ हम कर चुके हैं। कोऑर्डिनेटर के नाम हो गए, उनको सारे काम बता दिए, उनको एक एक चीज के लिए रेडी कर लिया। के बाद सारा चीज क्लियर होने के बाद हम लोगों का बस यही काम रहेगा, पेमेंट कलेक्शन और सारी चीज़ों को क्लियर करके कोऑर्डिनेटर आप लोगों से मिल लेगा, पर्चियाँ आपको मिल जाएंगी, और फिर आप लोगों को अगले 3 से 5 दिन के अंदर वंशिका वाले से, ये काम हमारा नहीं है कि आप वहाँ से प्लांट आप खुद का लाना है और गमले आपको लेके आने और तैयार आपको करना है, ये काम आप लोगों का रहेगा, हमारा नहीं रहेगा। पॉटिंग मिक्स के बारे में, पॉटिंग मिक्स के लिए
हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया है, वो आ रहे हैं अभी, वो बताएंगे थोड़ा सा उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का लाल मिट्टी दिखे, किसी की पीली मिट्टी दिखे। थोड़ा सा 19-20 तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं चल सकता। एक ये और लास्ट काम क्या था भाई साहब, अभी अभी भाई साहब जो कह रहे फंड कहाँ से आएगा भाई साहब? सोचा है कि हम इसके लिए कुछ प्रायोजक ढूंढेंगे, और प्रायोजक ढूंढने के लिए हम लोगों को कुछ लोगों से मिलना भी पड़ेगा। कुछ लोग अपन को मिल भी जाएंगे, लेकिन मैंने ये सोचा है, अभी तक इस बारे में हमारी फाइनल डिसीजन नहीं हुई है, क्योंकि इन लोगों ने मेरे पे कार्यभार दे रखा है, तो सोचता मैं हूँ बाद में मीटिंग में डिसाइड हो जाता है कि हम बहुत छोटे छोटे प्रायोजक नहीं लेंगे, कोई 500-1100 वाले, हम 5100 रुपये से कम का प्रायोजक नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो एक अनुमान है मोटा मोटा 1-1.5 लाख रुपये खर्च आएगा पूरी फ्लॉवर शो के कार्यक्रम में। ये रकम लगती रखने को बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब अरेंजमेंट करते हैं, टेंट लगता है, मंच बनता है, फ्लावरिंग होती है, और गिफ्ट भी दिए जाएंगे, सारी कुछ काम होंगे, तो ये सब चीज़ स्नैक्स भी होगा, दो दिन खाए चाय नाश्ते की व्यवस्था भी होगी, तो ये बहुत खर्चा कुछ पता नहीं लगता इन चीज़ों का। तो इसके लिए या तो दो ही तरीके हैं, या तो हम सब लोगों से मिलके एक कॉम्बो के रूप में, भैया आप इतने इतने दे दो सारे लोग, या तो ये होगा, या फिर हमको प्रायोजक के लिए